बदायूं के मदर एथीना स्कूल में विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर प्रार्थना सभा में शिक्षक विशाल गुप्ता द्वारा जीवन में पुस्तकों के महत्व एवं उनमें निहित ज्ञान के अनुसरण करने के बारे में उद्बोधन दिया। कक्षा 1 से कक्षा 10 के विद्यार्थियों हेतु अंग्रेजी कैलीग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभाग कर बच्चों ने विशिष्ट लेखन प्रतिभा का परिचय दिया। विद्यार्थियों को शिक्षिका जेनिफर मैसी द्वारा विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार शेक्सपियर के जीवन एवं साहित्य में उनके अभूतपूर्व योगदान के विषय में बताया गया। निदेशिका चयनिका सारस्वत ने बताया कि साहित्य मनुष्य के जीवन का ऐसा अभिन्न अंग है जो कि उसके जीवन को परिपूर्ण करता है तथा जीवन में दिशा एवं दशा प्रदान करता है, और पुस्तकों में छिपा ज्ञान मनुष्य का भविष्य उज्ज्वल करने के साथ ही उसको महान बनाने में सहायक सिद्ध होता है। इसके अलावा लेखन कौशल से व्यक्तित्व में भी निखार आता है। शेक्सपियर के जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को उनके सम्मान में मनाया जाता है। बच्चों, संसार में ज्ञान अनंत काल से किसी न किसी रूप में प्रसारित होता रहा है। सबसे पहले ये मौखिक अथवा सांकेतिक रूप में रहा, तत्पश्चात इसका लिखित रूप भी संसार में है, जिसका प्रमाण आज पुस्तकों लिपियों के रूप में हमारे समक्ष है। किंतु बच्चों, क्या पुस्तकों में जो लिखा है वे वास्तव में ज्ञान है, जैसा कि हम सोचते और मानते आए हैं? यदि हाँ, तो फिर कभी भी ऐसा क्यों कहा, पोथी पढ़ पढ़ जल हुआ पंडित दया न हो। अर्थात पुस्तकों को पढ़कर कोई ज्ञानी नहीं बन सकता। तो वास्तव में ज्ञान कहाँ है और क्या है? पुस्तकों में जो लिखा है